हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं हूँ अपनी बिटिया रानी के साथ। दोपहर के बजे हुए हैं 12 और अभी खाना नहीं बना है, खाना ही बनाने जा रही थी। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ ये आपको अभी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। पूरा वीडियो देखना क्या बनाने वाली हूँ। इसका काजल फैल गया सारा। ये लड़की बहुत ज़्यादा ही शैतान हो गई है, बिल्कुल भी नहीं रहती है और दिन भर गेट के बाहर देखती रहती है। ये इनको कोई गेट के बाहर ले जाओ बस। मुझे क्यों मार रही हो? मेरा, अरे मेरे चिन को क्यों पकड़ रही हो तुम? छोड़ो भैया, कहाँ गए देखो। इसका मन कर रहा है बाहर जाने का, लेकिन अब दिन भर कौन बाहर घुमाए इस लड़की को। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। देखो कितनी जोर जोर से तो चिल्लाती है, पूरा मोहल्ला बोलता है कि आपकी बेटी बहुत जोर से चिल्लाती है। इसको माइक लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। अभी इस बिटिया रानी को देंगे इसके पापा के लिए, वो खिलाएंगे, तब हम जाएंगे किचन में काम करने, खाना बनाने। हमें लग रही है भूख बहुत जोर से, और ये मेरी बिट्टो बनाने नहीं देती खाना बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है आगरा में, बारिश भी हो रखी है। वैसे तो कूलर चला लिया हमने, कूलर के सामने खड़े हुए हैं। मैं अभी नहा के आई हूँ, नाश्ता सुबह बन गया था, लेकिन अभी खाना नहीं बना है। खाने में क्या बनने वाला है स्पेशल, वो हम आपको अभी बताएंगे। वीडियो में बने रहिए हमारे। और अभी पतिदेव को दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए बर्तनों का क्या ढेर लगा हुआ है, कितने सारे बर्तन साफ किए हैं आज मैंने। देखो आज क्या डेली ही होते हैं, इतने बर्तन हो जाते हैं, छोटे मोटे छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बर्तनों का काम ज़्यादा है मेरे यहाँ। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और बर्तन होते रहते हैं। देखो कौन है ये, फिंगर दिखा दो सबको, फिंगर दिखा दो, ए दिखा दो सबको, ए अब बुला लो सबको, बुला दो सबको, बुला लो, आ जाओ सब लोग, आ जाओ मोना के पास, आ जाओ सारे लोग, इसको खिला दे। अब टाटा कर दो सबको, टाटा कर दो, टाटा बाय बाय, बाय बाय तो करो, बाय 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 बाय, और बुलाना एक जैसा होता है। राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे करो, राधे राधे राधे, ओ अब जय जय कर दो। स्टूडेंट इसने काजल लगा दिया मेरे फेस पर। चलो तुम जा रहे हैं पकड़े यार, जा रहा हूँ, नहीं छोड़ गया। अच्छा तो फ्रेंड्स मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी कचौड़ी, और देखिए मेरी कढ़ी बन गई है। बहुत ज़्यादा कढ़ी बनाई है मैंने, और ये है आलू, आलू ये कसूरी मेथी डाल दिए, धनिया है नहीं था, अभी बिना धनिया के ही बनाऊँगी। ये कचौड़ी का मसाला बना रही हूँ मैं, आलू की कचौड़ी, और बन रही है कढ़ी। कढ़ी तो बन गई है, ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं, आप एक बार बना के, बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। कढ़ी और कचौड़ी हमारे इधर राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आज उसी का खाने का मन था। रोटी नहीं बनाई है, कढ़ी कचौड़ी और थोड़े से चावल बना लूँगी, उसी से हमारा हो जाएगा लंच, और बना लेते हैं चलिए हम। फ्रेंड्स मसाला तैयार हो गया है, और ये मैं मेरे बेटे के लिए बिना मिर्ची का निकाल रही हूँ, चार कचौड़ी का, चार कचौड़ी शाम तक खा लेगा वो, और फिर इसमें डाल दूंगी मैं मिर्ची। ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता है, मिर्ची डाल दो तो फिर खा ही नहीं पाएगा, इससे तो अच्छा है कि थोड़ी सी मिर्ची डाल के उसके लिए निकाल लेती हूँ मैं अलग से, ऐसे ही सब्जी वगैरह निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो खाना होता है, हमको जितना खाना होता है मैं डाल लेती हूँ। अब ये निकाल लिया मैंने बेटे को, और ये है हमारा, इसमें मैं मिर्ची और डाल देती हूँ।
और ये मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी थी, अब इनको डाल देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाता है, फिर मिर्ची लगती है उसे। और अब डाल देती हूँ इसमें लाल मिर्ची, इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन ये सब कुछ कूट के डाला है। हरी मिर्ची को तो वैसे ही काट के डाल दिया है, प्याज को चॉपर से चॉप कर लिया था और उस लहसुन और अदरक कूट दिया है थोड़ा सा मैंने, और सौंफ, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब कुछ, नमक ये सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें अभी देखना। और थोड़ी सी मैंने इसमें ऊपर से कसूरी मेथी और डाल दिया, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका, कचौरियों का। तो फ्रेंड्स मैं अब बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, मेरे पति देव गए हैं कैंटीन और वो आने वाले होंगे अभी कुछ देर में, तो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने मिर्ची डाल दी, अभी रेड कलर हो गया ना इनका पहले बाइट बाइट से। रुको तो बनाने तो दो कुछ खाने के लिए, ये लड़की बनाने नहीं दे रही है, क्या करूं। आ जाओ आ जाओ जो जो, क्यों नहीं रहती बेटा, खाना भी नहीं बनाने देगी अब मेरे को। अभी तो एक बार भी नहीं उतारी मैंने। देखिए फ्रेंड्स अभी ये तनिष्क के लिए ही बनाने वाली हूँ, और ये मेरी बिट्टू रोने लग गई है, अभी ये नहीं करने दे रही कुछ काम, अब इसके पापा आ जाएंगे तभी बनाऊंगी, अभी उनको बंद करके रख देती हूँ। क्या क्या है, तो मुझे काम नहीं करने देती हो, अपने आप नहीं खेलती है बिल्कुल भी, भैया के साथ भी नहीं खेल रही है। आधा अधूरा काम रह गया मेरा, देखो इसके तो इसके लिए मैंने पूड़ी जैसी बनाई है कचौड़ियों को, थोड़ा बेल दिया अच्छे से खा सकता है, तेल रखा है इधर, चलो तुम उधर। हाँ पूड़ी वाली क्यों, हाँ ठीक है तो वैसे बना दो, पूड़ी वाली नहीं बनाई, थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी बड़ी साइज की बना दी है, पूड़ी वाली नहीं है। ठीक है मैं कचौड़ी वाली बना दूंगी तुझे, रख बेटा इसको, नहीं रह रही है ये, बैठ जाती हूँ अब इसके पास, क्या करूँ, गैस को बंद करके आती हूँ अभी। चलो बेटा, शैतान बच्चे हैं ये मेरे दोनों, इसके पापा आ जाएंगे तभी खाना बनेगा, उससे पहले नहीं कुछ खाने देंगे ये। किचन में ही पहुंच जाती है, वहीं रोती है पैरों से, क्यों मार रहा है इसको, क्यों, आज आज दे दो उसको, वो बुक पड़ेगी, अपनी बहन को बिल्कुल नहीं रख सकता और उल्टा रुला देता उसे। आ जाओ मुन्ना आ जाओ, मम्मा मम्मा पास आ जाओ, एक बज गया और आज है तीज भी है, और तीज है फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई, ना मेहंदी लगा पाई हूँ, ना कपड़े सही से पहन पाई हूँ, कुछ भी नहीं, एक ही वजह, क्योंकि कैसे मेहंदी लगाऊं, मेहंदी ये लगाने देगी क्या, देखो इधर आ इधर, चोट लग जाएगी, वही पूछो सही ढंग से कपड़े तो पहन नहीं पाते इनसे, अब तो तभी होगा सारा काम जब ये बड़े हो जाएंगे, अभी नहीं कुछ कर पाऊंगी मैं, देखो ऐसे चिपटी रहती है, इसके पास बैठी रहो, काम मत करो, क्या है क्या क्या बात कर रही है, फ्रेंड देखिए मेरे बेटे की पेंटिंग देखिए, लेकिन ये यूकेजी की बुक पढ़ रहा है, फिर से वापस जाने की सलाह इसकी, क्योंकि मेरा ड्राइंग टेस्ट था उसमें मैंने कलर किया था मेरा अच्छा है, और मेरे को देखो स्माइली भी मिला है, देखो स्माइली, ओ
ओ वाह, तन्नू को तो स्माइली भी मिला दे कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। इसको है ना पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। पेंटिंग में तो ये नाम कमाएगा, गिर जाएगी। और ये क्या करेगी? छोड़ दो, तुम छोड़ जाओ। मेरे पास एक और बुके दिखाओ। खाना बना नहीं है, आराम से बैठे हैं चुपचाप। देखना पापा आ गए क्या? तनिष देखो पापा आ गए क्या? मम्मी देखो, मम्मी ने मुझे वेरी गुड दिया। ओह वाह, ये क्या बनाया है? वेरी गुड बनाया। वेरी गुड बनाया। ये तूने अपने आप बनाया? तन्नू बहुत अच्छा पेंटिंग पेंटर बनेगा तन्नू। चलो इसको खेलने दे, थोड़ी देर खिला ले बेटा इसको। दोनों बच्चों को खांसी हो रखी है, खांसी जुखाम। और खांसी जुखाम में तो फिर कैसे बताइए, बार बार में ये लड़की है ना, बार बार में रोती है, इसको रखना पड़ता है। हाथों में मेहंदी लगा लूंगी तो फिर कैसे इसको रखूंगी। इसके पापा भी जाते ही रहते हैं, इधर उधर फोन आता रहता है ड्यूटी से। कल छुट्टी क्यों है? हाँ कल तो संडे है, लेकिन हाँ कल छुट्टी है। बेटा मैं एक मिनट उस गैस को तो बंद करके आऊँ। एक मिनट रखो इसको, गैस को बंद करके आती हूँ मैं। तेल वैसे ही जल रहा है, इसको रखो तुम दो मिनट, गैस को बंद करके आती हूँ। वैसे ही तेल चल रहा है, देखिए। बच्चों से है ना खा भी नहीं सकते कुछ बना के। इसके पापा का मन था, तनिष का भी मन था कि आज है ना ठंडा मौसम है, वैसे ही कड़ी कचौड़ी बना लो। गर्मियों में तो वैसे ही नहीं खा पाते इनको। अब मैंने बनाने का जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन अभी अब खाने वाले नहीं है इनको, क्योंकि अब इसके पापा आ जाएंगे तभी बनाऊंगी मैं। इससे पहले कुछ नहीं कर पाऊंगी। रख देती हूँ इसे ढककर सारी चीज़ों को, और मेरी बेटी को रख लेती हूँ। वो रुलाई भी नहीं जाती मेरे से, पता नहीं क्यों। और बच्ची रोती रहे, मैं काम करती रहूँ तो वही मेरे से नहीं होता। इसके पापा आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। तो हम बंद कर देते हैं गैस को। फ्रेंड्स आज तीज भी है, और आप सभी को तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और देखिए मैंने कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगाई है, कुछ कपड़े वपड़े नहीं पहने हैं, कोई सजावट नहीं की, क्योंकि है ना बच्चों के घर में कुछ नहीं हो पाता। अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद ही करा करेंगे कुछ। मेहंदी वेहंदी भी नहीं लगाई है, क्या करूँ। हमारे उधर तीज हाँ मनाई जाती हैं, सजती हैं लेडीजें, लेकिन अब कैसे सजें बताइए आप। कुछ सजना संवरना नहीं हो पाता, जैसे टाइम निकल रहा है, बच्चों को पाल रहे हैं, अकेले बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं अपना। तन्नू कैसी बनी कचौड़ी? एक मिनट आप भी खा कर देखो ना, खा लो ना। ये इसमें मिर्ची नहीं है, तेरे लिए सेक दी तन्नू। अभी पापा आ जाएंगे जब बनाएंगे अपने लिए, तो ये लड़की बनाने ही नहीं दे रही है। लो लो चलो लो खिलाती हूँ अभी, लो थोड़ी सी इसको खिला दूँ थोड़ी सी। मम्मा नहीं, लो 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 बेटा, तुम नहीं खा सकती अभी इसको, हर चीज की जिद करती है। मुना इधर आजा, फैल जाएगा बेटा वो। लाओ खिलाती हूँ थोड़ा सा, जबरदस्ती कर रही हो। मिर्ची वाला मत देना, मिर्ची वाला। ओम ओ पकड़ लिया, देखो अभी कितनी कितनी शैतान है इससे, यानी कैसे कैसे कर रहे हैं हम एक एक काम को।
अपना दूध क्यों नहीं पी रही हो? ये रखा ना बोतल में दूध कितनी देर से? मम्मा का ही दूध पीती रहती हो दिन भर। तो अब बेटा मम्मा के पी लिया था। अच्छा, मैंने भी एक बार पी लिया था आपको। मुझे करने नहीं दे रही है, कुछ खाना बनाने नहीं दे रही है मुझे। कैसी खुश हो रही है देखो। अरे वो भैया को खाने नहीं दे रही है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम तो फ्रेंड देखिए, अब हमारी बन रही हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। पतिदेव आ गए हैं हमारे मार्केट से, देखिए सामान लेके आए हैं। और सब्जी है और कुछ परचूनिया का सामान है, परचून का। अभी कैंटीन जाएंगे खाना खा के, क्योंकि कैंटीन में बहुत बड़ी लाइन लगती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो वहाँ टाइम लगता है। और कल तक बोलते रहते कोई 3 बज जाते। देखिए कितने पसीने आ रखे हैं। और मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी कब तक बनाऊँगी। ज़्यादा मसाला भर भर के अच्छी अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा 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 मसाला भर के एकदम, देखो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सेक रही हूँ एकदम बढ़िया। और कढ़ी के साथ यमी यमी कचौरियाँ, आप भी खा लीजिए। अभी मैं प्लेट लगाती हूँ, जब दिखाऊंगी आपको। खाना खाकर कौन एक्सरसाइज करता है? कितना सारा सामान लेके आए हैं कैंटीन से, और उसको खुद ही जमाने लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने बेबी को पकड़ रखा है बेड पर, वो आके इसको सारे को फैला देगी। नहीं तो क्लिप पैसे लेके आए हैं। क्या चीज़ है ये? अरे क्यों लेके आए, हम तो बना महीना अरहर की दाल है, अच्छी नहीं लगती। और ये क्या चीज़ है, ये ब्लू ब्लू सा वो, ये ब्लू छोटे डब्बे है ना, ये इधर नीचे रखा जो। अरे आप बिस्किट के डब्बा के पास। हाँ अच्छा, धूप पत्ती है, ये तो बढ़िया है। बर्तन धोने का साबुन। तन्नू आ गया, तन्नू आ गया, एक मिनट रुको, आ जाओ इधर, आओ ना इधर आओ, रुक जा, कहाँ जा रही? भैया को बुला लो, चाहो बुलाओ भैया। ओ ना इधर देखो, ए बेटी मोना, मुन्नो इधर देखो, ए मोना किसको देख रही हो तुम? पापा को देख रही हो? मोना इधर देखो, जाएगी बेटा, फिर जाएगी। पापा को देखने लग रही है, पापा कब आएंगे? ओ भैया भी नहीं है, सब छोड़ के चले गए तुमको, सब छोड़ के चले गए, खिड़की में से देखती रहती है, हैं? खिड़की में से देखती रहती है तुम। चलो देख लो, भैया को बुला लो, आवाज दो भैया को, आवाज दो, भैया को आवाज दे दो, चलो
बताओ भैया को, बोला भैया बुलाओ। इसका मन ही नहीं लगता अकेली का, देखो गिर गई ना। बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय करो। मेरी बिटिया रानी से मिल लीजिए, नंबर परेशान करती है लड़की, देखो क्या जीव निकालना सीख गई है अब। फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश है और हम लोग यहाँ फंस गए हैं, आप किसको बुलाएं लाने के लिए। तो इन्होंने हॉस्पिटल ही फ़ोन किया है, एम्बुलेंस हमें लेने आ रही है, तो बहुत फ़नी सा भी लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, एम्बुलेंस में ही जाना पड़ेगा। फाइनली फ्रेंड्स एम्बुलेंस आ गई है और हम अब इसी में बैठ के घर जाने वाले हैं, पता नहीं पड़ोसियों। यह एम्बुलेंस मेरे हस्बैंड के डिपार्टमेंट की है, हॉस्पिटल की। पूरा पानी, घुटना घुटना पानी भर गया। आगे बैठ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, कितनी दूर जाना पड़ेगा? सर सर आप आगे बैठ जाते हैं। अरे ले चलो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। बात की बात, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, उधर घर उनके घर ले जा रहा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, बोल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, अभी भी ऐसी है तो मुझे भी नहीं है।
मसला है क्या सर? अबैक्स का है क्या सर बना हुआ इसमें? इसमें अबैक्स का बना हुआ लग रहा है ना? एम्बुलेंस में बैठ के घर जा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स सारे भीग गए, इतनी भयंकर वाली बारिश पड़ रही थी तो इन्होंने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाई जब ताकि वो भैया छोड़ के गए हैं इनके जूनियर। सारे सारे भीग गए, जूतों में पानी भर गया। एम्बुलेंस में सारे पड़ोसी ये जान रहे होंगे कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, एम्बुलेंस आई है घर पर। अभी भी मतलब एक घंटे हो गए उधर खड़े खड़े लेकिन बारिश अभी भी बंद नहीं हुई। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल फोन किया कि कब तक फंसे रहते वहां पर, और इतना इतना घुटना घुटना पानी भर गया उधर टीम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, कपड़े वपड़े चेंज कर लें पूरा भी। हाँ बनाना खा लो बेटा, भूख लग गई तन्नू को। हमने सोचा उधर कैंटीन खुली होगी तो वहीं खा लेंगे कुछ, आज दोनों कैंटीन भी बंद थी प्योजे को। हाँ, तन्नू को लग गया भूख। कितना बज गया? 9:00, 9 बज गए। 1.5 घंटे हो गया उधर खड़े खड़े। और इसको डांस सूझ रहा, देखो वो डांस करने में लग। बेटी देखो, मोना देखो, इधर देखो, क्या बारिश में भीग के आई हो, मस्ती चल रही है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग और कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये है मेरी बिटिया रानी, इसको आम का अचार मिल गया था तो वो उसी को खाने लग रही हैं। देखो क्या मुँह बनाती है, कितना यमी यमी लगता है इसको। तो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।